Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला एप्पल एंड ऑरेंज वाला, 10 मार्क्स के लिए ये. चेक करते प्रॉब्लम क्या है. सो हियर इज द प्रॉब्लम. सेम हाउस हैज एन एप्पल ट्री एंड एन ऑरेंज ट्री दैट यील्ड एन अबंडेंस ऑफ फ्रूट इन द डायग्राम बिलो. द रेड रीजन डिनोट हिज हाउस वेयर एस इज द स्टार्टिंग पॉइंट and T is the end point. The apple tree is to the left of his house and the orange tree is to the right of its house. मतलब apple tree जो है वो उसके घर के left side पर है और orange tree जो है वो right side पर है. उसके घर की total length है S और T. ठीक है, S से start होता है उसका घर और T पे end होता है. ये उसके घर की length है. You can assume the trees are located on a single point where the apple tree is at point A and the orange tree is at point B. आप उसे एक point समझिए दोनों trees को. A apple tree का point समझिए और B को समझिए orange tree का point. ठीक है. When a fruit falls from its tree, it lands d units of the distance from its tree of origin along the x-axis. अगर कोई एप्पल या कोई ऑरेंज कोई फ्रूट वहां से गिरता है पेड़ पर से तो वो d यूनिट के डिस्टेंस पर गिरता है. ठीक है, और x-axis पे गिरता है. अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है इसका मतलब वो लेफ्ट साइड गिरा है, और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब वो राइट साइड गिरा है. आपको दिया होगा गिवन द वैल्यू d फॉर m एंड n ऑरेंज. एम एप्पल हो गए, एन ऑरेंज हो गए, ये उनकी साइज दे रहा है, मतलब उनकी क्वांटिटी दे रहा है. एप्पल कितने होंगे तो एप्पल एम हो गए और ऑरेंज जो हो गए वो एन हो गए. ठीक है, यहाँ सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल उसने यहाँ दिया है. ठीक है, हमने देखा था कि एस क्या है. एस उसका स्टार्टिंग पॉइंट था तो उसने यहाँ दिया 7. उसके घर का स्टार्टिंग पॉइंट था एस तो उसने यहाँ दिया इसकी वैल्यू 7, और टी जो कि इसके घर की एंडिंग पॉइंट थी वो है 10. एप्पल ट्री जो था वो उसकी वैल्यू है यहाँ 4, और ऑरेंज ट्री जो है उसकी वैल्यू है 12. मतलब एप्पल ट्री 4 मीटर यूनिट कुछ भी समझ लीजिए 4 यूनिट के दूरी पर है और ऑरेंज ट्री 12 यूनिट के दूरी पर है. और एम और एन की वैल्यू दी है एम इक्वल्स टू 3 एप्पल्स. एम की वैल्यू दी है 3 एप्पल्स है, एन की वैल्यू दी है 3 ऑरेंजेस भी है. ठीक है, एप्पल थ्रोन, ये एप्पल जो गिरे हैं तो उनके डिस्टेंस है, ये सारे डी है, ये एक एरे के अंदर स्टोर है. दिया है 2, 3, -4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ए. ठीक है, ये डिस्टेंस दिए ए से एप्पल के लिए, और ये डिस्टेंस दिए ऑरेंजेस के लिए यूनिट डिस्टेंस है ना. हमको करना क्या है, एडिंग ईच एप्पल डिस्टेंस टू द पॉजिटिव ऑफ द ट्री द लैंड एट. देखिए यहाँ मेरे पास लोकेशन दी है एप्पल ट्री की, मुझे इस लोकेशन को इस एरे में प्लस करना है. ठीक है, यहाँ देखिए उसने ये वो ही किया, उसको सबको प्लस कर दिया. जो रिजल्ट आया उसमें से हमको फाइंड करना है कि जो घर की जो डिस्टेंस है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एस और एंडिंग पॉइंट टी, इनके बीच में जितने भी एप्पल्स या ऑरेंज आते हैं हमको उसका टोटल काउंट बाहर आउटपुट देना. तो ये था हमारा क्वेश्चन. अब इसको करते हैं सॉल्व. इनपुट लेने का स्टाइल देख लीजिए कुछ ऐसा है. सबसे पहले आप लेंगे इनपुट एस के लिए, फिर टी के लिए, फिर ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर दोनों एरेस. ओके, ये हम हमारे टेक्स्ट एडिटर पे आ गए. अभी मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ और स्टार्टिंग से हम कोड लिखेंगे जैसे हर बार कर रहे हैं. मैंने मेन फंक्शन बना दिया है, अब यहाँ स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है. अब हम इनपुट लेना स्टाइल स्टार्ट करेंगे कुछ वेरिएबल्स के अंदर. सबसे पहले इनपुट उसको चाहिए एस और टी के लिए. देखिए यहाँ दिखा है ना, पहला इनपुट होगा यहाँ पर एस और टी. ये इनपुट फॉर्मेट में देखिए तो हम एस क्या है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एस का डिनोट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सैम्स हाउस लोकेशन. तो यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाउस, इसमें हमें इनपुट लेना है, ऐसे ही एंडिंग पॉइंट के लिए भी। ठीक है, अभी हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में इनपुट ले लिया है। अभी हमको लेना है इनपुट ए और बी में। ए और बी क्या क्या है, ए और बी क्या है, यहाँ पे लोकेशन ऑफ एप्पल ट्री, लोकेशन ऑफ ऑरेंज ट्री। ठीक है, अभी हमने दोनों में भी इनपुट ले लिया है। अभी तीसरा जो है वो इनपुट होगा हमारा एम और एन के लिए। यहाँ हमने m और n के लिए भी इनपुट ले लिए। अब मुझे एरे बनाने होंगे जिसके अंदर हम बाकी सारी वैल्यूज, जो d की वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज जो है हम स्टोर करवा पाए। एप्पल के लिए एप्पल और ऑरेंज के लिए ऑरेंज नाम से मैं बनाऊंगा यहाँ पर। अब मुझे इनमें इनपुट लेना है। देखिए, एक बार जब हमने इसमें इनपुट ले लिया है, अभी हमारा काम ये है कि इसमें हमको ऐड करना होगा। क्या चीज ऐड करना होगा, देखिए एप्पल के एरे में स्टार, ये जो ए है, ये क्या क्या है, यहाँ पे लोकेशन ऑफ द ट्री, इसको ऐड करना है। ये ए को, लोकेशन ऑफ एप्पल ट्री को ऐड करना है एरे ऑफ एप्पल में। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ इनपुट ले रहा हूँ, वहीं मैं उसी टाइम पे मैं इसको ऐड भी कर लेता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मुझे करना है यहां पर भी। अब मेरे पास मेरे एरे के अंदर हमको जो वैल्यूज चाहिए थी, वो हमको मिल गई है। अभी हमको सिर्फ ये फाइंड करना है जो हमारा रिजल्ट वाला जो एरे है, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी वैल्यूज इसकी लाई कर रही है, वो हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, ये काम करते हैं इसको भी हम। अब जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, तो हमको एक काम करना है कि जो फाइनल एरे जो हमको मिला है 670, ये जो रिजल्ट वाला एरे हमको मिला है, इसमें हमको फाइंड करना है कि कितनी वैल्यूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द हाउस इनके बीच में लाई करती है। तो ये भी हम एक काम करते, जब इनपुट ले रहे उसी टाइम पे हम इसको भी फाइंड कर लेते। तो मैं यहाँ कुछ और वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एप्पल स्कोर, ऑरेंज स्कोर। मैं यहाँ फाइंड करता हूँ उसको, मैं लिखूंगा इफ एप्पल ऑफ आई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस और एप्पल ऑफ आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द हाउस। अगर ऐसा हो तब क्या होना चाहिए, आपको स्कोर प्लस प्लस कर देना है। मैं सेम यही कोड उठा लेता हूं यहां से और यहां ऐसे पेस्ट कर देता हूं। ये मुझे चेंज करना होगा। ठीक है, और फाइनली हमको ये प्रिंट कर देना है। ये हमारा कोड हो गया एकदम तैयार, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे सारे केस चल गए, तो ठीक है।